हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि स्ट्रोक, कॉर्नर, सॉलिड और ग्रेडियंट क्या है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैल्यूज़ में कलर्स, थीम्स, स्ट्रिंग और डायमेंशन क्या है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड्रॉइड। हम यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट का पूरा कोर्स लेकर आए हैं। अगर आप भी एंड्रॉइड सीखना चाहते हैं या एंड्रॉइड सीखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐप में रिसोर्स, वहाँ पे वैल्यूज़ में आपको कलर्स, स्ट्रिंग और थीम्स बाय डिफॉल्ट दिखाई देगा और डायमेंशन क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है कलर्स। तो कलर्स में हम जो भी टेक्स्ट का कलर रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना चाहते हैं, वो यहाँ से हम नाम दे के भी कलर कोड में लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में हम जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ऐप नेम देना चाहते हैं, वो हम यहाँ स्ट्रिंग में से दे सकते हैं। तीसरा यहाँ पे है थीम। तो थीम में आप एप्लीकेशन की थीम है तो उसमें क्या कलर रखना चाहते हैं वो सब यहाँ पे आएगा। उसमें टाइटल बार रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते वो यहाँ से हम डिसाइड करेंगे। स्टेटस बार में कौन सा कलर रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आएगा। और डायमेंशन क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। तो हम यहाँ पे लेआउट्स में एक्टिविटी मेन में जाएंगे। यहाँ पे कंस्टेंट लेआउट है, वहाँ पे हम लीनियर लेआउट्स लेंगे, कैपिटल एल लीनियर लेआउट्स। और यहाँ टेक्स्ट में जो कंस्टेंट लेआउट का पार्ट है वो रिमूव करेंगे। हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर कौन सा देना चाहते हैं, ब्लैक। टेक्स्ट साइज 90 dB, डेंसिटी पिक्सल्स। हम यहाँ पे ग्रेविटी लिखेंगे, सेंटर। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर स्टैटिक नहीं रखना चाहते और कलर्स में से देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कलर्स में आइटम फाइल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शिफ्ट लेस देन देंगे, यहाँ कलर सिलेक्ट करेंगे और जो आइटम फाइल है उसमें क्या नेम देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे। और कर्सर बाहर निकाल के हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्लोज करेंगे। अब इसके बीच हम यहाँ पे कलर्स देना देंगे कि इस आइटम का कौन सा कलर रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ब्लैक रखेंगे। और हम यहाँ पे कलर्स में रिमूव करेंगे और जो भी हमने कलर्स में आइटम फाइल का नेम दिया था वो यहाँ पे लिखेंगे। एक्टिविटी मेन में हम यहाँ पे डेमो लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कलर वैल्यूज़ के अंदर कलर्स में आपकी डेमो वाली आइटम फाइल है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक कलर आ जाएगा। अब हम यहाँ से कोई भी कलर चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। अब कलर्स का बेनिफिट ये है कि हमको यहाँ पे एक कलर कोड हम सभी जगह लेना हो, अगर एक्टिविटी मेन में यहाँ पे एक व्यू है लेकिन बहुत सारे लेआउट्स हो गए तो उसमें सेम कलर रखना हो तो हम यहाँ पे कलर डेमो से ईजी रहेगा हमारे लिए। और चेंज भी एक साथ सब में कर सकते हैं जहाँ पे भी हमने डेमो वाले आइटम फाइल ली होगी टेक्स्ट कलर में। दूसरा यहाँ पे है स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ऐप नेम है, एप्लीकेशन में हम क्या नेम रखना चाहते हैं एप्लीकेशन का वो यहाँ से डिसाइड होगा। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग में ऐप नेम से हमने आइटम फाइल बनाई हुई है जो मैनिफेस्ट में लेबल में यहाँ पे रजिस्टर होगी। ऐप नेम से हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो आइटम फाइल में जो भी यहाँ पे हम लिखेंगे वो एप्लीकेशन का नेम होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपका आइकन के नीचे एप्लीकेशन का नेम आपको दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग में लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में आएंगे, शिफ्ट प्लस लेस कर हम यहाँ पे स्ट्रिंग सिलेक्ट करेंगे। स्ट्रिंग का आइटम फाइल है उसमें हम नेम देंगे, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं और बाहर निकल के हम यहाँ पे शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्लोज करेंगे तो हम यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो वहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक्टिविटी मेन में हेलो वर्ल्ड अभी रिमूव करेंगे और जो भी स्ट्रिंग में हमने आइटम फाइल का नेम दिया है वो यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे तो आपकी स्ट्रिंग में आइटम फाइल टेक्स्ट है वो वहाँ पे आ चुकी है। हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। अब हम यहाँ पे कोई भी नेम चेंज करेंगे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं टेक्स्ट आ चुका है। अब स्ट्रिंग का बेनिफिट ये है कि जो भी यहाँ पे बहुत सारे लेआउट्स में सेम टेक्स्ट लिखना हो और एक साथ सभी जगह चेंज करना हो तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग में एक फाइल आइटम फाइल बना के सभी जगह एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरा यहाँ पे डायमेंशन। तो हमें डायमेंशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। वैल्यूज़ में न्यू में वैल्यू रिसोर्स फाइल में हम यहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे और एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे रिसोर्स में यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ डायमेंशन की फाइल बनाएंगे। डायमेंशन लेंगे, डायमेंशन आइटम फाइल है उसमें हम कोई भी नेम देंगे, साइज लिखते हैं और यहाँ पे क्लोज करेंगे शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अब यहाँ पे कितनी साइज रखना चाहते हैं वो यहाँ से डिसाइड होगा। 20 dB
और एक्टिविटी मेन में हम यहाँ पे 20 dp की जगह डायमेंशन फाइल में जो भी आइटम फाइल है उसका नेम लिखेंगे। हमने यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है तो हम यहाँ पे साइज़ लिखेंगे। साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं डायमेंशन फाइल में साइज़ 9 की जो आइटम फाइल है वो वहाँ पे आ चुकी है। हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो 20 dp हो जाएगा। अब हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे 40 dp लिखेंगे तो यहाँ पे 40 dp का टेक्स्ट का साइज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे है थीम, कौन सा ऐप थीम रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे कलर सेकेंडरी निकाल देंगे और यहाँ कलर्स में यहाँ पे हम एक आइटम फाइल बनाएंगे कलर प्राइमरी नाम की और इसको क्लोज करेंगे और कोई एक कलर देंगे। अब यहाँ पे थीम में हम पर्पल कलर रिमूव करेंगे और कलर प्राइमरी लिखेंगे। आप यहाँ से पूरा रिमूव करके भी कर सकते हैं कलर प्राइमरी। अब यहाँ पे वो कलर ऑन प्राइमरी में भी हम करेंगे कलर प्राइमरी। अब यहाँ स्टेटस बार कलर है तो यहाँ पे हम स्टेटस बार कलर कौन सा रखना चाहते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट है कलर प्राइमरी वेरिएंट है जो एंड्रॉयड का बाय डिफ़ॉल्ट है। अब हम यहाँ से हम चेंज करेंगे और कलर प्राइमरी लिखेंगे और आप यहाँ पे जो भी कलर देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। एप्लीकेशन रन करके देखेंगे कि किस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑन करेंगे और USB केबल से मोबाइल कनेक्ट करेंगे। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि कैसे डेवलपर ऑप्शन ऑन कर सकते हैं तो हम यहाँ पे USB केबल कनेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कनेक्टेड मोबाइल डिवाइस का नेम दिखाई देगा। अब हम यहाँ से रन करेंगे, यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड हो रही है, यहाँ पे इंस्टॉल होगी एप्लीकेशन और लॉन्च हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट व्यू में माई एप्लीकेशन है वो टाइटल बार है और ऐप का कलर थीम है वो यहाँ पे आप रेड देख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे टाइटल बार नहीं रखना हो तो हम यहाँ पे पेरेंट में थीम है उसको रिमूव करेंगे और नो एक्शन बार लिखेंगे, नो एक्शन बार क्लिक करेंगे और अभी यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ टाइटल बार रिमूव हो चुका है। दूसरा यहाँ पे है स्टेटस बार कलर, तो अगर आपको स्टेटस बार में कोई कलर चेंज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जो भी आपको कलर्स में एक आइटम फाइल बनाएंगे, आपको कलर प्राइमरी रखना हो तो वो भी रख सकते हैं और अगर आपको दूसरा कलर रखना हो तो हम यहाँ पे रखेंगे। हमने यहाँ पे येलो कलर रखा हुआ है तो हम यहाँ पे स्टेटस बार कलर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एप्लीकेशन रन करके देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टेटस बार का कलर है वो येलो आ चुका है। जो भी हमने यहाँ पे थीम डॉट माई एप्लीकेशन नेम रखा है वो मैनिफेस्ट में थीम के अंदर थीम डॉट माई एप्लीकेशन में रजिस्टर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।